हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस मैथमेटिक्स लाइव लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 6। मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन में नई मेथड डिस्कस करने वाले हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पैटर्न है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ये दोनों x के ही फंक्शन है। हाउ कैन वी सॉल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला है e^(integration)pdx। यहां तक क्वेश्चन 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आते हैं, ओनली 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में, कि भाई फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाइंग एबव इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हमें क्या मिलेगा? e^(integration)pdx इंटू dy/dx e^(integration)pdx इंटू py इज इक्वल टू e^(integration)pdx इंटू क्यू। ये दो जो टर्म्स है उन्हें इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, y लेना ही लेना है एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही लेना है। यहां पर इज इक्वल टू e^(integration)pdx इंटू क्यू। आप इनका डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें यही मिलेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, यहां पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों रेसिप्रोकल प्रोसेस है, कैंसिल हो जाएगी। वी गेट y इंटू e^(integration)pdx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू e^(integration)pdx dx। ये हमें मिलेगा प्लस सी। दोस्तों, इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल इलस्ट्रेशन नंबर 19 में हम समझेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 19, dy/dx माइनस y इज इक्वल टू कॉस x। कंपेयर करते हैं dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ में। सो हियर p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू cos x। हालांकि ये तो फंक्शन x वाला ही है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट x नहीं है तो चलेगा, लेकिन y नहीं होना चाहिए। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे।
सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर वन बाय ई रेस टू माइनस एक्स सो वी विल गेट ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। लेफ्ट साइड का जो टर्म है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फिर से लिखते हैं ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। वैसे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास में एक फॉर्मूला है ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स का फॉर्मूला है ई रेस टू ए एक्स अपन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स का ही फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज इक्वल टू वन है और बी इज इक्वल टू ऑल्सो वन सो हियर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मीन्स वन प्लस वन इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये है ई रेस टू माइनस एक्स इंटू वाई सो वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स यहां से कैंसिल होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई टू प्लस सी अपन ई रेस टू माइनस एक्स उसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो हो जाएगी पावर पॉजिटिव इज अ जनरल सॉल्यूशन। ये एक जनरल सॉल्यूशन है। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से? मेरे ख्याल से यहां पर कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 20 एंड 21 डू योर सेल्फ, आपको खुद ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। क्या आप कर सकते हैं? ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 22। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इंटू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू कॉट एक्स गिवन दैट वाई इज इक्वल टू जीरो वेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। सबसे पहले हम इसे इक्वेशन नंबर वन दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उससे पहले पी क्या है तो कॉट एक्स और ये क्यू है बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम बात करेंगे। ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स मीन्स ई रेस टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। कॉट का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड ऑफ साइन एक्स। एक्सपोनेंशियल टर्म में यदि पावर में भी
लॉगरिथम फंक्शन है और यहाँ पर दोनों में बेस कॉमन है तो इसका मतलब हो जाएगा साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं दोस्तों, फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आंसर क्या रहेगा, साइन एक्स रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन इज मल्टीप्लाइंग बाय साइन एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पर डायरेक्टली हम क्या कहेंगे, डी बाई डी एक्स, वी नो वेरी वेल साइन एक्स तो लेना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है इन टू वाई, समझ गए ना अभी तो। अब लेफ्ट साइड के बारे में आप बिल्कुल सिक्योर है, कंफर्म है कि आपको पहले क्या लेना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है इन टू वाई लेना ही लेना है। यदि यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई है, यदि उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स चाहिए और यहाँ पर होगा डी बाई डी वाई। ये पैटर्न तो आपको समझ नहीं है दोस्तों, है ना, ओके, इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू कोट एक्स इंटू साइन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ y इंटू साइन एक्स मिलेगा, इंटीग्रेशन में लेगा लेना है 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। चलिए लेफ्ट साइड को रहने देते हैं, राइट साइड को आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स लेंगे, 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स लेंगे, राइट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि कॉट का मतलब होगा कॉस अपन साइन, साइन साइन कैंसिल होगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लीटेक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इज इक्वल टू 2x एंड v इज इक्वल टू साइन एक्स, हियर ऑल्सो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड v इज इक्वल टू कॉस एक्स। u का लेंगे हम डेरिवेटिव, वो मिलेगा 2, v का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, du बाय डी एक्स होगा 2x एंड इंटीग्रेशन v dx होगा साइन एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है 2x इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 इंटू माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। दोस्तों माइनस 2x कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स माइनस, अब देखिए ये जो टर्म है वो एग्जैक्टली ये हो गया, जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम ही है ये हुआ है ना, तो हम इस जगह पे क्या लेंगे, माइनस टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी, है ना, ओके। अब आगे बढ़ाते हैं, माइनस टू एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस सी, टू साइन एक्स प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कैंसल, सो हियर वाई इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स प्लस सी। इक्वेशन नंबर हम देंगे यहाँ पर वन या टू देंगे इसे, ये हुआ जनरल सॉल्यूशन, बट एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहां पर ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, सो जीरो इज इक्वल टू पाई बाई टू द होल स्क्वायर
इंटू साइन पाई बाई टू वन प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वेयर अपॉन फोर पुट इन इक्वेशन नंबर टू, y into sin x is equal to x square into sin x minus pi square by 4, y is equal to x square sin square से डिवाइड किया सबको, minus pi square upon 4 sin x is a particular सॉल्यूशन, ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस पाई स्क्वेयर अपन फोर साइन एक्स, ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा क्लियर दोस्तों, एक्सरसाइज सॉरी इलस्ट्रेशन 23 वो भी आपको ही करना है। एक्सरसाइज 9.6 बोर्ड की ओर से कैंसिल है, लेकिन उसमें से हम एमसीक्यू नंबर 18 और 19 करेंगे, वो आपको ही प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। क्लियर, बोलिए कर सकेंगे? वेरी गुड, है ना। और यहाँ तक के क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के एक मार्क्स के लिए भी आपको करना है। और देखो वैसे तो मेथड एकदम इजी है, आप अच्छी तरह कर सकेंगे। नाउ मिसेलिनियस एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 24 इलस्ट्रेट, वेरीफाई द फंक्शन y इज इक्वल टू c1 e रेज टू ax इंटू cos bx plus c plus c2 a raised to ax sin bx, सॉरी bx ही है यहाँ पर, नॉट c, साइन बी एक्स, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिया गया, वो बताना है दोस्तों। यहां पर सी वन एंड सी टू आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है दोस्तों, हाउ मेनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, ये भी हमें समझना होगा। दूसरा ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि इस जनरल सॉल्यूशन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो भी आ सकता है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ई रेज टू ax, दोनों में कॉमन, c1 इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी टू इंटू साइन बी एक्स, गिव इट इक्वेशन नंबर वन, नाम देखिए इक्वेशन नंबर वन। ओके अब हम सबसे पहले डिफरेंशिएट लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, ई रेज टू ए एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, सी वन कॉन्स्टेंट, कॉस का होगा डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, प्लस सी टू साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस बी एक्स इंटू बी, प्लस सेकेंड टर्म विल बी कॉन्स्टेंट, c2
सी वन इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी टू इंटू साइन बी एक्स कॉन्स्टेंट, ई रेस टू ए एक्स का होगा ई रेस टू ए एक्स इंटू ए। ये जो टर्म है वो एग्जैक्टली इक्वेशन वन में मौजूद है, सो उसे हम रिप्लेस करेंगे वाई से। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इंटू माइनस सी वन बी साइन बी एक्स प्लस सी टू बी अच्छा बी को हम साइड पे रखेंगे, अलग रखेंगे बी को, यहां से निकाल देंगे बी को, यहां से बी निकालेंगे, सी टू कॉस बी एक्स इंटू बी प्लस ए इंटू वाई गिव इट इक्वेशन नंबर टू। दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वी विल गेट डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, इन दोनों का अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल ई रेस टू ए एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस सी वन साइन का होगा कॉस बी एक्स इंटू बी, सी टू कॉन्स्टेंट कॉस का होगा माइनस साइन बी एक्स इंटू बी इंटू ऑलरेडी बी प्रेजेंट है प्लस ये पूरा टर्म एज इट इज रहेगा माइनस सी वन साइन बी एक्स प्लस सी टू कॉस बी एक्स इंटू बी एज इट इज, ई रेस टू ए एक्स का होगा ई रेस टू ए एक्स इंटू ए प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए दोस्तों हम पहचानते हैं इसे यहां तक, तो ये जो टर्म है ये वही रहा। इक्वेशन टू में से वैल्यू निकालेंगे हम। चलिए फिलहाल यहां पर क्या मिल रहा है, माइनस कॉमन ई रेस टू ए एक्स इंटू सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स इंटू बी कॉमन तो बी इंटू बी बी स्क्वायर होगा प्लस ए इंटू, इस टर्म के बदले हम क्या ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बट वी नो वेरी वेल फ्रॉम द इक्वेशन नंबर वन इसे हम कहेंगे वाई, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू बी स्क्वेयर तो बी स्क्वेयर वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये टर्म हो गया टू टाइम्स, यहां से माइनस वाई कॉमन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, सभी टर्म्स को लेके जाएंगे राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर, सो फाइनली वी विल गेट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस, ऐसे कभी मत करना दोस्तों, इरेज ही करना बराबर, बोर्ड में कोई सुनेगा नहीं आपकी बात, माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू
0 is a required differential equation of given general equation. क्लियर दोस्तों, एक बार अच्छी तरह देख लीजिए. मेन आपको इंटीग्रेशन में ही अच्छी तरह ध्यान रखना है. चलिए आगे बढ़ेंगे. इलस्ट्रेशन 25th कैंसल है 26 में. फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y. y इज इक्वल टू 0 वेन x इज इक्वल टू 0. सबसे पहले तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू, यहां पर हम एंटीलॉग ले सकते हैं. एंटीलॉग का मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इज इक्वल टू ई रेस टू 3x इंटू ई रेस टू 4y कह सकते हैं. बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड dy अपन e रेस टू 4y इज इक्वल टू e रेस टू 3x इंटू dx. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स तो e रेस टू माइनस 4y dy e रेस टू 3x dx. क्लियर. इसका इंटीग्रेशन होगा e रेस टू माइनस 4y अपन माइनस 4, e रेस टू 3x अपन 3 प्लस c. इक्वेशन नंबर 1, इट्स अ जनरल सॉल्यूशन बट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन नंबर 1, ई रेस टू 0 अपन माइनस 4, ई रेस टू 0 अपन 3 प्लस सी. देयरफॉर माइनस 1 अपन 4 माइनस 1 अपन 3 इज इक्वल टू सी. सो सी इज इक्वल टू माइनस 7 अपन 12. सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, माइनस ई रेस टू माइनस 4y अपन 4, ई रेस टू 3x अपन 3 माइनस 7 अपन 12. 0 इज इक्वल टू ई रेस टू 3x अपन 3 प्लस ई रेस टू माइनस 4y अपन 4 माइनस 7 अपन 12. यहाँ पर 12 एलसीएम होगा, उसके बाद 12 यहाँ पर 0 के साथ में मल्टीप्लाई होगा. तो फाइनल आंसर होगा 4 इंटू ई रेस टू 3x, 3 इंटू ई रेस टू माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज अ पर्टिक्यूलर सॉल्यूशन. ये एक पर्टिक्यूलर सॉल्यूशन है दोस्तों, आप अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों. कहीं पर भी गड़बड़ी है तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं. चलिए क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 27, डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करना है.
एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स वाई इंटू साइन वाई अपन एक्स इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू एक्स इंटू कॉस वाई अपन एक्स। एक बात तो होता है यहाँ पर y अपन x है ही, इसलिए हमें dy बाई dx को फॉर्म करना है। तो इस ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इंटू साइन वाई बाई एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वेयर साइन वाई अपन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस वाई अपन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस वाई अपन एक्स डी वाई। डी वाई वाले टर्म को लेफ्ट साइड रखते हैं, इनमें से डी वाई कॉमन ही लेंगे, डी वाई कॉमन एक्स वाई इंटू साइन वाई अपन एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस वाई अपन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स कॉमन एक्स वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इंटू साइन वाई अपन एक्स। डी एक्स इस ओर लेके जाएंगे और इसे इस ओर लेके आएंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इनमें से एक्स स्क्वेयर कोई भी हम कॉमन लेंगे y अपन एक्स इंटू कॉस वाई अपन एक्स प्लस वाई स्क्वेयर अपन एक्स स्क्वेयर साइन वाई अपन एक्स। डिवीजन में एक्स स्क्वेयर कॉमन y अपन एक्स इंटू साइन वाई अपन एक्स माइनस कॉस वाई अपन एक्स एक्स स्क्वेयर कैंसल, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई अपन एक्स होल स्क्वेयर इंटू साइन वाई अपन एक्स डिवाइड बाई वाई अपन एक्स इंटू साइन वाई अपन एक्स माइनस कॉस वाई अपन एक्स। इक्वेशन नंबर इसे हम वन नाम देंगे। दोस्तों यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। डिफिकल्ट इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इसका स्वरूप है। चलो जटिल दिख रहा है लेकिन है सिंपल, ध्यान रखना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट y अपन x इज इक्वल टू v लेते हैं एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, जानते ही हम। इसे इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v इंटू कॉस v प्लस v स्क्वेयर इंटू साइन v डिवाइड बाई v इंटू साइन v माइनस कॉस v होगा। इसे लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड राइट साइड पर इज इक्वल टू v इंटू कॉस v वी स्क्वेयर इंटू साइन वी वी इंटू साइन वी माइनस कॉस वी माइनस वी। एलसीएम लेंगे वी इंटू कॉस वी वी स्क्वेयर इंटू साइन वी माइनस वी स्क्वेयर इंटू साइन वी माइनस माइनस प्लस वी इंटू कॉस वी वी इंटू साइन वी माइनस कॉस वी। ये प्लस माइनस कैंसल, टू वी साइन वी अपन वी साइन वी
माइनस कॉस वी, लेफ्ट साइड पर है डी वी बाई डी एक्स इन टू एक्स बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और डी वी को यहाँ पर रखेंगे सबको, तो देखिए v इन टू साइन वी, अच्छा वो डिवीजन में रहेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये होगा न्यूमरेटर में v इन टू साइन वी माइनस कॉस वी डिवाइड बाई v इन टू साइन वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपन एक्स इन टू टू, टू तो है ही, क्या आप समझ रहे हैं? अच्छा यहाँ पर होना चाहिए कॉस वी, है ना, क्योंकि वी कॉस वी प्लस वी कॉस वी तो टू वी कॉस वी होगा। चलिए अब आगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, वी साइन वी माइनस कॉस वी डिवाइड बाय वी कॉस वी डी वी इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपन एक्स, यहाँ से कॉस कैंसल, यहाँ से वी कैंसल, इंटीग्रेशन टेन वी डी वी माइनस वन अपन वी डी वी इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपन एक्स, टेन का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड ऑफ सेक वी, वन ओपन वी का लॉग मोड ऑफ वी, यहाँ पर टू इंटू लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस सब कुछ लॉग है तो सी के बदले हम लॉग सी लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लॉग सेक वी डिवाइड बाय वी करेंगे, डिवीजन में है, इज इक्वल टू लॉग सी इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो तो है टू है वो पावर में, लॉग इज वन वन फंक्शन, सो सेक वी अपन वी इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ वी इज रिप्लेस बाय इट्स इनिशियल वैल्यू सेक वाई अपन एक्स इज इक्वल टू वी के बदले वाई अपन एक्स मल्टीप्लीकेशन में इंटू सी एक्स स्क्वायर, वन एक्स कैंसल, सो फाइनली वी विल गेट सेक y अपन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वाई, क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? इज अ जनरल सॉल्यूशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है दोस्तों। इलस्ट्रेशन 28 कैंसल है बराबर, मिसेलिनियस एक्सरसाइज 9 में 1-5 चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे और आपको होमवर्क में भी दिए थे। हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस होल रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो इस टर्म को राइट साइड लेके जाएंगे वन माइनस वाई स्क्वायर अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एंड वाई दोनों टर्म सेपरेट हो सकते हैं। अब आपके पास में तीन मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर, आपको पहचानना होगा हम कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक्स एंड वाई वाले टर्म सेपरेट हो सकते हैं, इसलिए डी वाई अपन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स,
बराबर साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. सो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी इज अ जनरल सॉल्यूशन. दोस्तों एकदम से क्लियर, क्या आप समझ सकते हैं? बिल्कुल बढ़िया. एग्जाम्पल नंबर 7. सो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय समथिंग, हमें दिया है. मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन भी हमें फाइंड करना है, फाइंड करेंगे. प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस वन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड. ध्यान से दोस्तों, डी वाई अपन वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन. क्लियर? ओके. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमें यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है. दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसे परफेक्ट स्क्वेयरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इसके लिए लास्ट टर्म बैलेंस करना होता है. दोनों में लास्ट टर्म की पैटर्न बिल्कुल एक ही है. तो डी वाई वाई स्क्वेयर प्लस वाई इसका लास्ट टर्म होगा 1/4. जैसे ऐड किया ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस वन. डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस वन. दोस्तों क्लियर है? देयरफॉर इंटीग्रेशन डी वाई अपन वाई प्लस 1/2 होल स्क्वेयर प्लस रूट 3/2 होल स्क्वेयर आएगा ये, क्योंकि देखिए 4 एलसीएम रहेगा, 4 माइनस 1 3/4 का मतलब यही रहेगा, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपन एक्स प्लस 1/2 की होल स्क्वेयर प्लस रूट 3/2 होल स्क्वेयर. वी नो वेरी वेल इसकी फॉर्मूला है, टेन इनवर्स 1 अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए. सो 1 अपॉन ए मीन्स रूट 3/2, टेन इनवर्स वाई प्लस 1/2 अपन रूट 3/2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपन रूट 3/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 अपन रूट 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी. यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत आएगी, हम क्या करेंगे, रूट 3/2 रूट 3/2 कॉमन लेंगे. सो टेन इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3c अपॉन 2. चलिए अब ये माइनस वाला जो टर्म है उसे हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे. सो वी विल गेट टेन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस टेन इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3/2 सी. दोस्तों एकदम से क्लियर, कोई गड़बड़ी दिख रही है आपको? बिल्कुल नहीं. टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा की फॉर्मूला तो आप जानते ही है. टेन इनवर्स
टू एक्स प्लस वन बाई रूट थ्री, टू वाई प्लस वन बाई रूट थ्री डिवाइड बाई वन माइनस टू एक्स प्लस वन अपन रूट थ्री इंटू टू वाई प्लस वन अपन रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू इंटू सी। टेन इनवर्स को लेके जाएंगे राइट साइड पर, तो यहाँ पर होगा टेन रूट थ्री सी बाई टू। यहाँ पर रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन, रूट थ्री इंटू टू वाई प्लस वन, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, इनका भी डिवीजन थ्री आ जाएगा। आफ्टर एलसीएम थ्री कैंसल, थ्री माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन फोर एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन। ये एक कांस्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रूट थ्री कॉमन, टू एक्स प्लस वन प्लस टू वाई प्लस वन डिवाइड थ्री माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू टेन रूट थ्री सी अपन टू। वन प्लस वन टू होगा, इन सब में से टू हम कॉमन ले रहे हैं तो टू रूट थ्री रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस वन। ध्यान दीजिएगा ये होगा माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू एक्स माइनस टू वाई, थ्री माइनस वन क्या होगा टू, इन सब में से भी हम टू कॉमन ले सकते हैं। टू कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन मिलेगा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट थ्री सी बाई टू। यहां से टू टू हम कैंसिल करेंगे, रूट थ्री को ले जाएंगे राइट साइड पर। दोस्तों एक बार अच्छी तरह देख लीजिए हमने यहां पर क्या किया, ध्यान से देख लीजिए। सर एक डाउट, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन अपन वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू टेन रूट थ्री सी अपन टू इन टू वन अपन रूट थ्री। ये पूरा कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू एनी अदर कांस्टेंट ए, देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू एक्स वाई। ये हमें मिल रहा है इसका सॉल्यूशन, ये है जनरल सॉल्यूशन, इज अ क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। तो इस तरीके से हम ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा ऑड दिख रहा है लेकिन है नहीं, मेथड में पता होनी चाहिए दोस्तों क्या करना है, और जो भी इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन वाले चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हैं। डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं या तो फिर प्रीवियस वीडियो देख कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में सिर्फ इतना ही, आप वीडियो को देखें प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद सर।